ये भी हमारा वेक्टर्स का क्वेश्चन है, ये भी जून 2009 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहे थे लाइन एल इज इक्वेशन आर इज इक्वल टू 4r प्लस 2j माइनस के प्लस टी 2r माइनस j माइनस 2k। इट इज गिवन दैट ए लाइज इन द प्लेन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल 1 वेयर बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। यानी ये लाइन पूरी इस प्लेन में करती है तो बी और सी की वैल्यू होंगे। आप देखें द पॉइंट पी हैज पोजीशन वेक्टर 2j प्लस 4k, शो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एल इज रूट 5। 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है लेकिन इजी है। हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें दो अननोन दिए गए हैं। अगर आप देखें तो दो अननोन है, एक है बी एक है सी, ये दो अननोन है। तो हम क्या करते हैं लाइन के दो पॉइंट्स मालूम करेंगे, इसमें पुट करेंगे बी और सी में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी वो करेंगे। अब कोई भी पुट कर सकते हैं, तो आप लाइन की इक्वेशन ये है, बेसिकली लाइन की इक्वेशन ये है कि आर आर इज इक्वल टू ये है 4 2 -1 प्लस टी, इस फॉर्म में लिख रहा हूं टी, ये है 2 -1 -2। तो क्लियर, इसका जनरल पॉइंट मैं लेता हूं, जनरल पॉइंट इसका होगा 4 प्लस 2 टी, जनरल पॉइंट आपको आता ही रहेगा, ये होगा 2 -t और ये होगा -1 -2t। अब ये जनरल पॉइंट होगा, पहले तो आप टी इक्वल 0 पुट कर दीजिए, पहला ही पॉइंट आ जाएगा हमारा, टी इक्वल 0 पुट करें तो आपका पहला ही पॉइंट आ जाता है। टी इक्वल 0 पुट करने से आपका पॉइंट मिलता है 4 2 -1, टी इक्वल 1 पुट करें तो आपको पॉइंट मिलता है 4 प्लस 2 6, 6 फिर आप 1 और -3। अब जब ये 4 2 -1 ये है, आप इसे पुट करें -1 इक्वेशन पुट करें, इक्वेशन जो दी गई है हमें, इक्वेशन है टू एक्स है इक्वेशन, इक्वेशन है टू एक्स प्लस पी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1। और एक पहले में पॉइंट पुट कर रहा हूं 0.4 2 -1 पे, ये पॉइंट पुट करें तो ये आ जाएगा 4 2 8 8 प्लस 2b और ये हो जाएगा -c इज इक्वल टू 1 के, तो ये 2b - c इज इक्वल टू 1 - 8 के, तो ये 2b - c आ जाएगा -7 के, इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसी तरह दूसरी क्वेश्चन में करूंगा, फिर दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा। अब दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा है 6 1 -3 इक्वेशन है हमारी 2ax 2x
प्लस बी वाई मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि ऊपर शायद आप लोगों को नजर ना आ रही हो, प्लस सी जेड इक्वल टू वन के इसे पुट कर दिया जाएगा 12 प्लस बी माइनस थ्री सी इज इक्वल वन के, तो b की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस थ्री सी माइनस 12, तो b आ गया माइनस 11 माइनस थ्री सी की क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 में पुट करें 2b, तो 2b की जगह माइनस 11 माइनस थ्री सी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 7 के, तो जगह माइनस 22 माइनस सिक्स सी माइनस सी इज इक्वल टू 7, तो जगह माइनस 7 सी माइनस ये कितना हुआ 2 इंटू माइनस 7 प्लस 3 सी, ये माइनस 3 सी इधर आएगा, टाइम साइड कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, प्लस 3 सी होगा प्लस 3 सी होगा, ये भी प्लस 3 सी है, तो ये आ जाएगा सर इस तरह, तो ये अब जाएगा जो 5 सी आ जाता है, आ जाता है प्लस 5 सी इक्वल टू माइनस 7 है, माइनस 7 प्लस 20 सी के, तो 5 सी आ जाएगा 15 के, तो सी आ जाता है 3 के। अब सी आ गया 3 के, सी की वैल्यू जब 3 आ गई तो हमने देखा है कि बी जो है बेसिकली हमारा ये इक्वेशन थी b को जब हमने किया था वो थी b इज इक्वल टू ये था माइनस 11 प्लस 3 सी के, तो b इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 3 सी की वैल्यू 3, तो b आ जाएगा माइनस 11 प्लस 9, तो b आ गया माइनस 2 के, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन में कह सकता हूं जो हुई वो ही 2x और जो प्लस पी वाई थी, तो b की जगह देखूंगा माइनस 2y और प्लस सी जेड थी सी जेड, तो ये 3 है, तो मैं लिखूंगा प्लस 3 जेड इज इक्वल टू 1 के, ये प्लेन की क्वेश्चन बन गई और ए बी सी की वैल्यू आ गई। सिंपल था, दो पॉइंट दिए लाइन पे, दो पॉइंट प्लेन की क्वेश्चन पुट किए ए और बी और सी में, एक हमें दो साइमल्टेनियस क्वेश्चन मिल गई, दो साइमल्टेनियस क्वेश्चन मिल गई, उनको हमने सॉल्व किया बी और सी के लिए, तो क्वेश्चन मिल गई। अब ये दूसरा जो है उसमें ये कह रहे एक लाइन है, ये लाइन जो दी गई है, ये लाइन से हमें डिस्टेंस वैल्यू करना है पॉइंट का, ये लाइन है और इधर ये पी पॉइंट है, हमें ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट हमें जो है वो है 024 कोऑर्डिनेट फॉर्म है, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है बी का वो है 2 -1 -2, तो जाहिर सी बात है कि इधर से ये जो है पी से इधर ये 90 डिग्री पे करेगा, ये एन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस एन को सपोज कराओ जनरल पॉइंट, एन जो है वो जनरल पॉइंट हो जाएगा लाइन का,
लाइव मेथड पॉइंट में पहले भी निकाल चुके वही है कि 4 प्लस 2 टी और 2 माइनस टी और -1 -2t। अब मैं इसी तरह पी एन का वेक्टर वैल्यू करूंगा, पी एन का वेक्टर आएगा 4 प्लस 2t -0 फिर 2 माइनस टी -2 फिर आएगा -1 -2t -4। तो ये आ जाता है 4 प्लस 2t फिर -t और -5 -2t, ये पी एन आ गया। अब पी एन बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो लिखूंगा पी एन डॉट बी जीरो होना चाहिए, पी एन डॉट बी जीरो होना चाहिए। तो पी एन डॉट बी को जीरो रखेंगे और हम पी एन डॉट बी जीरो है तो ये 4 प्लस 2t इंटू बी वेक्टर का है 2 और प्लस -t इंटू बी का वेक्टर है -1 करेस्पॉन्डिंग और प्लस -5 -2t इंटू 2 मस्ट बी 0 क्योंकि आपने देखा कि बी के जो डायरेक्शन रहते हैं 2 -1 और -2, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 4 प्लस 2t करेगा, 2 को मल्टीप्लाई -t करेगा, -1 को -5 -t करेगा, ये सिंप्लीफाई कर दे तो 2 ये हो जाएगा 8 प्लस 4t प्लस t, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा -10 -4t इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 8 प्लस 4t ये -2 है, सारी एक मिनट ये -2 तो ये हो जाएगा +10 और ये हो जाएगा +40 40 छोटी ये हो जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू 0 के, तो इससे हमें टी की वैल्यू मिलती है -2। टी माइनस टी है वो उसमें पुट कर दे जनरल पॉइंट में तो आपकी एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन आप देखिए एन ये है बेसिकली हमारा एन, देखिए ये एन है, इसमें एन इक्वल टू पुट कर दें आप, एन इक्वल टू पुट करें, एन इक्वल टू पुट करें एन, मैं दोबारा लिख रहा हूं कि आपको परेशानी ना हो कि एन की जो एन बेसिकली हमारा ये था 4 प्लस 2t 2 माइनस t -1 -2t और t की वैल्यू आई है हमारी -2 तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 2 माइनस -2 हो जाएगा 4 और ये -1 प्लस 4 ये हो जाएगा 3। अब ये 3 और हमारा p पॉइंट जो है वो है 0 टू 4, इन दोनों का डिस्टेंस देखें ये एन पॉइंट आ गया एन है तो पी एन जो आएगा वो आता है सॉरी पी एन आएगा अंडर रूट में 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाता है रूट खोले आप 0 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट, तो ये आ जाता है अंडर रूट 5। तो ये प्रूव होगा, प्रूव हमने प्रूव कर लिया कि जैसा ये है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक पेन लेके जो मैं तक समझाता हूं, देखिए इसमें रेड पेन लू, देखिए ये इक्वेशन पहले इस फॉर्म में थी, इसको हमने पहले इस फॉर्म में लिखा कि जनरल पॉइंट ले सके, जनरल पॉइंट ये आ गया। अब इसमें
बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये लाइन जो है इस प्लेन पे है, टू एक्स प्लस बी वापस सीरीज को वन पे, तो इसमें देखिए दो अननोन है बी और सी, तो इस लाइन के मैंने दो पॉइंट्स मालूम कर लिए है। आप एक तो टी जीरो पुट करो तो ये आ गया फोर टू माइनस वन, और टी वन पुट करो ये आ गया, आप इसमें पुट करिए टू एक्स प्लस बी वापस सीरीज को वन में फोर टू वन में, तो ये हमारा आ रहा है इस तरह इक्वेशन आ गई है टू बी माइनस सी इक्वल माइनस सेवन। फिर सिक्स और वन इसी में सिक्स पर माइनस थ्री पुट करें इसमें तो आपकी बी की इक्वेशन आ गई माइनस इलेवन प्लस थ्री सी। वन और टू को साइमेट्रिक सॉल्व करें तो सी हमारा थ्री आ रहा है, सी थ्री आ रहा है, और बी हमारा कितना आ रहा है, बी आ रहा है माइनस टू, बी माइनस टू। तो इक्वेशन प्लेन की ये आ रही है टू एक्स माइनस टू आर प्लस थ्री इज इक्वल वन, पूछा तो नहीं लेकिन फिर भी। अच्छा फिर लाइन वही है, लाइन का डायरेक्शन टू माइनस वन माइनस टू है, ये पॉइंट है उसने दिया ये टू जे प्लस फोर के, मैंने इसमें जीरो टू फोर में दिया तो ये फोटो परपेंडिकुलर इन आ जाएगा इधर, ये इधर ये जनरल पॉइंट होगा लाइन का सी का, ये आपने देखे वो जनरल पॉइंट ही जो लाइन का था हमारा, अब ये देखे जनरल पॉइंट वही मैं एन का सपोज करूंगा, एन वही जनरल पॉइंट है, एन जब वही जनरल पॉइंट सपोज किया मैंने ये, तो देखे उसके बाद मैंने पी एन वैल्यू किया, पी एन ये आ गया। अब पी एन जो है बता दे खुद पी एन भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर बी के ऊपर, तो पी एन डॉट बी जीरो रख दे तो उससे टी की वैल्यू आ गई माइनस टू, टी आ गया माइनस टू के जनरल पॉइंट एन में पुट करें, एन में पुट करें आप तो जनरल पॉइंट भी हमारा ये एन जो आ गया फोटा था परपेंडिकुलर बन गया जीरो फोर थ्री, यानी जीरो टू फोर का फोटा था परपेंडिकुलर जीरो फोर थ्री, इन दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस रन किया तो ये रूट फाइव आया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्लोज।